हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर। अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे बाकी के वीडियोस, बाकी के प्लेलिस्ट को चेक करें। इस चैनल पर आपको पीटेक से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रॉपर पूरे यूनिट वाइज आपको वीडियोस, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर के लिए सबसे पहले मेरे को दो टर्म्स बेसिक समझनी जरूरी है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक या फिर डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, होते क्या है। तो ये वो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपकी ऑपरेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय अनदर फिक्स कॉइल, नॉट बाय अ परमानेंट मैग्नेट। आपने जो पीछे यूनिट 3 जो हमारे चल रहा है, इसमें आपने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं पीछे, उनमें आपका क्या होता था, जो ऑपरेटिंग फील्ड बनता था वो एक परमानेंट मैग्नेट से बनता था। बट इधर आपका क्या होगा, ये दिस विल बी मेड बाय सम अदर फिक्स्ड कॉइल। वो कैसे होगा, जब आपको मैं वर्किंग दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा। आपको बस इतना याद रखना है कि यहां पर ऑपरेटिंग फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अनदर फिक्स्ड कॉइल, नॉट बाय अ परमानेंट मैग्नेट लाइक वी यूज टू मेक सच फील्ड्स इन द प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट्स। सो नाउ वाटमीटर भी मुझे समझना है कि होता क्या है। तो वो बस एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं मेजर कर सकता हूँ पावर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पावर के लिए मैं मेजर करने के लिए वाटमीटर यूज करता हूँ। सो ये दो टर्म्स आपके लिए जरूरी थी ताकि आप समझ सकें कि आपका डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर का बेसिक क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल समझ लेता हूं मैं। व्हेन अ करंट कैरिंग मूविंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जब एक करंट कैरिंग मूविंग कॉइल को मैं प्लेस करता हूं, ये मूविंग कॉइल है, तो ये मेरी कॉइल है, ये मूव कर रही है, दिस इज अ कॉइल एंड ये रोटेट कर सकती है इस तरह से। अब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं विच इज प्रोड्यूस्ड बाय टू फिक्स्ड कॉइल्स। ये दो मेरी फिक्स्ड कॉइल है, ये क्योंकि इनके थ्रू करंट पास हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। पीछे आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उसमें आप मैग्नेट्स रखते थे, इधर आप सिर्फ कॉइल्स के थ्रू करंट पास कराएंगे, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी वजह से जो एक फोर्स एग्जर्ट होगा, अ फोर्स इज एग्जर्टेड ऑन द कॉइल साइड्स ऑफ द मूविंग कॉइल एंड डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जो है ना कॉइल, अगर ये कॉइल है तो ये इस तरह से मूव करेगी, जब ये मूव करेगी तो ये जो पॉइंटर है मेरा ये भी मूव करेगा इसके साथ। तो ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल है डायनेमोमीटर टाइप वाटमीटर का, कि दो फिक्स कॉइल्स रखी हैं, एक मूविंग है, फिक्स से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से मेरा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा और मेरे को अपनी जो भी रीडिंग है पता लग जाएगी। प्रिंसिपल के बाद अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपका जब आप बनाएंगे तो आपको कुछ नहीं लिखना है, ये कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखें, इजी है और आपको लिखने हैं। सबसे पहले आपके दो कॉइल्स रहते हैं, फिक्स्ड एंड मूविंग, ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। फिक्स कॉइल को आप स्प्लिट करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, मैंने जैसे उस डायग्राम में दिखाया था, और उनको पैरेलल टू ईच अदर रखते हैं हम लोग। तो उसके बाद जो है फिक्स कॉइल है, इसको हमेशा मैं सीरीज में लगाऊंगा लोड के साथ, और बोलते क्या है उसको, हम करंट कॉइल बोलते हैं फिक्स कॉइल को। मूविंग कॉइल को हम बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल, इसको हम हमेशा पैरेलल विद लोड लगाते हैं। ऑल्सो वी अप्लाई अ हाई रेजिस्टेंस, हम लोग क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल टू लिमिट द करंट थ्रू इट। तो जो करंट है उसके थ्रू उसको लिमिट करने के लिए हम लोग एक हाई रेजिस्टेंस भी लगाते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क आपका प्रोवाइड करते हैं स्प्रिंग्स, और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इज एम्प्लॉयड इन सच इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो आपकी डैम्पिंग जो आप कहते हैं ना, वो होती है बाय एयर फ्रिक्शन से। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, बहुत इजी है। आप आखिरी के दो पॉइंट्स ना भी लिखें तो भी चलेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क और एयर फ्रिक्शन वाला जो मैंने अभी बोला उसमें लिखा नहीं है क्योंकि इतना कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल है। आप और इसको एक्सपेंड करके चाहे तो एक पेज भर सकते हैं इससे,
अच्छा रहेगा आप लिखें खोल खोल के एंड इस तरह पॉइंट्स बना के, ताकि टीचर को दिखाई दे, उसको पता लगे कि अच्छा बच्चे को पता है, सीधा फिक्स विक्स, और आपको मार्क्स अवार्ड हो जाए। अब मैं आपको इसका वर्किंग भी समझा देता हूँ एंड इसका एक डायग्राम भी दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा डायग्राम है। मेरे पास एक फिक्स कॉइल है और एक ये है, दो फिक्स कॉइल थी, पैरेलल में मैंने रखा है उनको। ये मेरी मूविंग कॉइल है जिसके साथ मैंने एक हाई रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। जो मेरा मूविंग कॉइल है इसके साथ ही ऊपर ये मेरा जो पॉइंटर है वो लगा हुआ है, दिस इज माय पॉइंटर। ये कोई एरो नहीं है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर ऐसे बना हुआ है। सो इस तरह का आपका डायग्राम रहता है, डायनेमो मीटर टाइप वॉट मीटर का। इसमें दो करंट है, एक I1 करंट है, एक I2 करंट है, AC सप्लाई यहां से जा रहा है। अब इसका मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ थोड़ा। सो स्टूडेंट्स, जो मेरी वर्किंग है वो मैं समझ लेता हूँ। मेरी जो फिक्स कॉइल है उसको मैं करंट कॉइल भी बोल सकता हूँ, और मूविंग कॉइल है उसको मैं पोटेंशियल कॉइल भी बोलता हूं, मैं आपको पीछे ये बता चुका हूं। तो जो मेरी करंट कॉइलिंग है वो कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड। तो ये आप देखेंगे सीरीज में लगी हुई है लोड के साथ एंड कैरीज द लोड करंट। तो ये लोड करंट I1 मेरा है लोड करंट, जिसको ये फिक्स कॉइल करंट कॉइल कैरी करती है। द पोटेंशियल कॉइल कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड। अब मैं देखूंगा तो ये जो मूविंग कॉइल है ये पैरल लगी हुई है लोड के साथ, कैरीज द करंट प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अब जो यहां पर ये जो करंट I2 होगा ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द लोड। यहां मान लीजिए अगर कुछ वोल्टेज है तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि I1 तो मेरा लोड के अक्रॉस जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल है, I2 मेरा प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का। नाउ आपका क्या है, जो फिक्स कॉइल है, अब ये जो फिक्स कॉइल है ये प्रोड्यूस करती है एक फील्ड, मान लीजिए ये एक फील्ड FM प्रोड्यूस करती है, और जो मूविंग कॉइल है वो आपकी एक फील्ड प्रोड्यूस करती है FR। ये मूविंग कॉइल की फील्ड है मान लीजिए, ठीक है। तो अब जो फील्ड FR है ये क्या करती है, दिस ट्राइज टू कम इन लाइन विद द मेन फील्ड FM, क्योंकि मेन फील्ड ये है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो जनरेट होता है मूविंग कॉइल में, क्योंकि ये ट्राई करेगी कि इन लाइन विद दिस फील्ड आने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। तो जो आपको मैंने डायग्राम में पीछे दिखाया था, जब ये अगर आने की कोशिश करेगा तो इसके साथ जो पॉइंटर है, जब ये मान लीजिए ये इस तरह है, ये लगी हुई है, अब ये घूमेगा, ये दो मेरी फिक्स्ड है, ये घूमेगा, इसके साथ जो मेरा यहां पर पॉइंटर अटैच्ड है तो वो भी घूमेगा। इसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन है वो मुझे पता लग जाएगी कितनी डिफ्लेक्शन आई है, और इसी तरह मेरा डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर काम करता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करने का इस वाले डायग्राम से। अगर पीछे वाले डायग्राम को आप देखें तो उसमें आप सोच सकते हैं उसको मैंने अगर इस तरह घुमाऊंगा तो उसके साथ जो पॉइंटर था तो वो भी घूम जाएगा। आपको जो अभी पीछे मैंने डायग्राम बताया उसको अगर देखें तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मैंने आपको दो डायग्राम, हर टॉपिक के लगभग दो ही डायग्राम इसलिए करवा रहा हूँ, एक इसलिए नहीं करवा रहा कि मान लीजिए आप अगर एक भूल भी गए तो दूसरा याद रहता है। एक कॉन्सेप्ट का होता है प्रिंसिपल, एक होता है जो इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम। मैं दोनों ही बनवाता हूं, दोनों ही करा रहा हूं, और एक मदद ये होती है कि आपको जब 10 नंबर का आएगा डायनेमो मीटर टाइप वॉट मीटर लिखने में तो आपको पेज भरने होंगे, कम से कम 4 पेज भरने होंगे। तो उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आप डायग्राम बनाएंगे पूरा एक पेज तो उसी में भर जाएगा। तो इस तरह आपको जो स्पेस यूज है वो भी अच्छा से यूटिलाइजेशन हो सकता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो। यही इसकी वर्किंग है कि एफ एम बनेगी, एफ आर बनेगी, एफ आर विल ट्राई टू कम इन लाइन विद द मेन फील्ड, मेन फील्ड जो आपकी है उससे, क्योंकि
जो डिफ्लेक्ट टिंग टॉक प्रोड्यूस हो रहा है मूविंग कॉइल पे, तो जो पॉइंटर है आपका अटैच है स्पिंडल के साथ ऑन द मूविंग कॉइल दैट डिफ्लेक्ट्स, और द डिफ्लेक्शन इज कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग टॉक प्रोड्यूस्ड बाय द स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग्स है वो उस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल भी करती हैं, तो कंट्रोलिंग टॉक भी आपका लगता है, वो आपके जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट्स में पीछे लगता है ऐसा ही लगता है यहाँ पर भी। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आओ। हर एक टॉपिक के आपको जो प्रॉपर नोट्स हैं वो भी आपको ग्रुप्स पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू।